हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 7, द फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सेस में फॉर्म्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप एक फॉर्म फिल करते हो, एडमिशन करवाने जाते हो स्कूल में मान लीजिए, तो एडमिशन करवाने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि ये फॉर्म है और इसमें आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको नेम लिखना है अपना, और क्लास कौन सी क्लास से पास आउट होके आए हैं आप, या फिर कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रीवियस क्लास में मार्क्स कितने थे, आपके एड्रेस क्या है, ये सभी जो डिटेल्स हैं ये सारी फॉर्म के अंदर फिल की जाती हैं। जैसे एक पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर 7.8 फिगर में कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या होगा, नेम क्या होगा, क्लास क्या होगी, ग्रेड, मार्क्स, एड्रेस, ये सारा क्या है, फॉर्म होता है एक टाइप का। और आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है एक्सेस में और किस तरह से इसमें एडिटिंग की जाती है। सो व्हाट आर फॉर्म्स इन जनरल, अ फॉर्म इज़ अ पीस ऑफ पेपर। साधारणतः क्या होता है, फॉर्म क्या है, एक पेपर का पीस ही है, पेपर का टुकड़ा ही है, दैट यू फिल आउट सो दैट समवन कैन कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू। और ये पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर है ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है वो आप जान सके। जैसे कि आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपसे जो फॉर्म भरवाया जाता है वो किस लिए भरवाया जाता है, ताकि आपका नाम जान सके, आपके पेरेंट्स का नाम जान सके, आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सी क्लास से पास आउट होना चाहते हैं, पास आउट हुए हैं वो जान सकें, या आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स दूसरा कोई पर्सन जान सके, इसके लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लाइकवाइज इन एमएस एक्सेस 2007 फॉर्म वर्क क्वाइट सिमिलर टू इट। और एमएस एक्सेस में फॉर्म्स जो है नॉर्मल फॉर्म की तरह ही काम करते हैं। इट अलाउज यू टू एड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल। और ये हमें किस चीज़ की अलाउंस देते हैं, किस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं, ताकि हम एक टाइम में ही एक टेबल के अंदर रहते हुए कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं। दे अलाउ यूजर्स टू एंटर कस्टम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन परफॉर्म ए टास्क। और ये यूज़र को, यानी कि जो भी फॉर्म क्रिएट कर रहा है, फॉर्म पर काम कर रहा है, उसको किस चीज़ की के लिए अलाउ करते हैं, ताकि वो किसी भी टाइप की कोई जो इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करना चाहता है वो अपडेट कर सके, और उसके बिहाफ पे कोई भी जो अपना टास्क करना चाहता है कंप्लीट वो टास्क भी कर सके। ऑल्दो एक्सेस प्रोवाइड्स अ डेटा शीट व्यू विच इज अ कन्वीनियंट वे फॉर एंटरिंग डेटा। अब एक्सेस हमें डेटा को एंटर करने के लिए डेटा शीट व्यू तो देता ही है जिसमें हम काम करते हैं। देखिए जैसे ये मैंने टेबल ओपन कर रखी है स्टूडेंट्स वाली, इसमें ये जो व्यू खुला हुआ है ये कौन सा व्यू है, डेटा शीट व्यू है। और दूसरा व्यू हमने पढ़ा हुआ है डिज़ाइन व्यू, जिसमें कि हम कॉलम्स की एडिटिंग करते हैं। तो डेटा शीट व्यू तो हमें प्रोवाइड कर ही रहा है एक्सेस, और उसके अलावा क्या है, ये कन्वीनियंट वे भी है डेटा शीट व्यू, यानी कि नॉर्मल अच्छा सा तरीका है डेटा को एंटर करने का। बट इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर एवरी डेटा एंट्री सिचुएशन। लेकिन अगर हमने कोई भी हर एक टाइप की डेटा एंट्री करनी है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए ये सारा डेटा शीट व्यू सही नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, sometimes when you work with different users and don't want to expose to the inner working of access, you may choose to use access forms to create a better user friendly experience. अब मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर, लेकिन आपके साथ कोई और भी बैठा है और आप अपना जो डेटा है उसको एंटर करता हुआ दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या एक्सेस के अंदर फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा बेटर वे मिले, ताकि आप सिर्फ वही डेटा उसको दिखाएं जो आप एंटर कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंटरनल डेटा है जो इसमें पहले से फिल किया हुआ है वो ना दिखाएं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेफ रखते हुए इसमें काम कर सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू। सो ऑल्दो अ फॉर्म कैन हैव अ डिफरेंट नेम फ्रॉम अ टेबल, अब फॉर्म जो है उसका एक अलग ही नेम होता है टेबल से, यानी कि हम यहाँ पर एक जैसे स्टूडेंट्स वाली टेबल है, तो अगर हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो फॉर्म के लिए अलग से एक टेबल बन जाएगी अलग नेम से। बट दे बोथ मैन्यूपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड डेटा, लेकिन जो डेटा टेबल के अंदर होता है वही डेटा फॉर्म के अंदर आएगा, या जो डेटा हम फॉर्म के अंदर अपडेट करेंगे
वही डेटा फिर टेबल के अंदर भी ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों में सिमिलर वर्क चलेगा एक टाइम पर ही। इफ़ यू चेंज ए रिकॉर्ड इन फॉर्म, अगर आप फॉर्म के अंदर भी कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इट इन ए टेबल ऑल्सो। तो ये क्या है, फॉर्म में अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो टेबल में भी वो रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फॉर्म्स प्रोवाइड अ विंडो इन टू योर डेटा, मेक योर डेटा बेस लुक पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल एंड हेल्प टू एंटर डेटा एक्यूरेटली। और फॉर्म्स हमें क्या बेटरमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या अच्छा तरीका प्रोवाइड करते हैं, एक अलग से विंडो प्रोवाइड कर देता है हमारे डेटा के लिए, ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो अच्छा सा लुक दिखाए और प्रोफेशनल लुक में हमें दिखाई दे, ताकि हम जो डेटा है वो भी अच्छे से एक्यूरेटली एंटर कर सकें। डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ टेबल यूजिंग अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसमें अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं एक टेबल के अंदर रहते हुए। सो एक्सेस प्रोवाइड्स थ्री मेन व्यूज इन विच अ फॉर्म इज डिस्प्लेड। अब एक्सेस, एमएस एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो हमें तीन तरीके प्रोवाइड करता है कि हम एमएस एक्सेस में रहते हुए एक फॉर्म को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। सो पहला व्यू है फॉर्म व्यू, सेकेंड है डिजाइन व्यू, थर्ड है लेआउट व्यू। सो फॉर्म व्यू में क्या है, इट इज यूज टू एंटर और एडिट डेटा। अब इसका यूज किस लिए होता है, कि हम इसमें कोई भी डेटा को एंटर कर सकें या फिर उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकें। डिजाइन व्यू में क्या होता है, इट इज यूज टू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म। और डिजाइन व्यू का किस लिए यूज होता है, कि आप जो फॉर्म है आपका जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसको डिजाइन कर सकें, यानी कि उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है या फिर आपका जो नेम वाला कॉलम है वो कहाँ रखना चाहते हैं उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं आप। इट गिव्स यू अ मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म लाइक हेडर, डिटेल एंड फुटर सेक्शन फॉर फॉर्म। और डिजाइन व्यू में हमें क्या बेटरमेंट मिलता है, कि हमें डिटेल्ड व्यू मिल जाता है एक, जिसमें कि हम इसकी हाइट कितनी रखनी है, ऊपर से गैप कितना रहे, नीचे से फॉर्म का गैप कितना रहे, और बीच वाला एरिया में क्या क्या गैप आए, क्या कैसे कैसे आए, वो सारा डिजाइन व्यू के अंदर ही एडिटिंग होती है। थर्ड है लेआउट व्यू, इट इज यूज टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ ए फॉर्म। अब लेआउट व्यू का क्या काम होता है, कि आप इसके लुक को चेंज कर सकें फॉर्म के लुक को। इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल व्यू फॉर सेटिंग द साइज ऑफ कंट्रोल्स एंड चेंजिंग देयर अपियरेंस। अब इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एक फॉर्म आया था यहाँ पर, जैसे फॉर्म है तो इसमें ये जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हैं जितने भी, इनका साइज छोटा बड़ा करना है या फिर ये क्लास ग्रेड वगैरह लिखा हुआ है, इन सभी का फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा करना है, तो वो भी क्या है, हम इसके थ्रू ही कर सकते हैं लेआउट व्यू के थ्रू। अब नीचे क्या है, क्रिएटिंग न्यू फॉर्म इन एक्सेस यूजिंग फॉर्म विजार्ड। अब हम जब एक्सेस में फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, फॉर्म विजार्ड के थ्रू करते हैं डेटा शीट व्यू में रहते हुए। तो फॉर्म विजार्ड के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं इसको, द फॉर्म विजार्ड इज एन इन बिल्ड फीचर इन एमएस एक्सेस 2007 विच मेक्स द फॉर्म क्रिएशन इजी एंड फास्ट। अब फॉर्म विजार्ड होता है वो एमएस एक्सेस के अंदर पहले से ही बना हुआ फीचर होता है, इन बिल्ड फीचर है, यानी कि उसमें पहले से ही प्रोवाइड किया गया फीचर होता है। और ये क्या हमें किस में हेल्प करता है, विच मेक्स द फॉर्म क्रिएशन इजी एंड फास्ट। और ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, ताकि हम इजीली और बहुत ही तेजी से इस फॉर्म को आसानी से क्रिएट कर सकें। यू कैन यूज द फॉर्म विजार्ड व्हेन यू वांट मोर कंट्रोल ओवर अ फॉर्म देन द अदर टूल्स प्रोवाइड। और फॉर्म विजार्ड हमें किस में हेल्प करता है, कि हम बाकी जो टूल्स हैं फॉर्म को क्रिएट करने के, उससे सभी से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करता है फॉर्म विजार्ड। मतलब इसमें प्री बिल्ड यानी कि इन बिल्ड फीचर होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से। अब टू क्रिएट अ फॉर्म थ्रू फॉर्म विजार्ड फॉलो दिस स्टेप गिवन बिलो। तो अगर आपको फॉर्म विजार्ड के थ्रू एक फॉर्म को क्रिएट करना है तो नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 7.1 फिगर में एक स्टूडेंट टेबल दिखाई हुई है, जो मैंने अभी स्टूडेंट टेबल ओपन की थी उसी तरह से ही है ये भी। सो सेलेक्ट द स्टूडेंट्स टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन, क्लिक द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। तो आइए हम भी साथ साथ करते हैं, कि पहले तो स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करना है नेविगेशन बार से या नेविगेशन पेन से, और फिर क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। तो मैं एक्सेस में गया, स्टूडेंट टेबल को डबल क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्रिएट टैब है इस पर भी क्लिक कर लिया है। क्लिक ऑन मोर फॉर्म्स एंड देन सेलेक्ट फॉर्म विजार्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पर ये मोर फॉर्म्स नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, उसमें एक फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर मोर फॉर्म्स का भी ऑप्शन है, बट इसमें यहाँ पर फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो फॉर्म विजार्ड यहाँ पर ऊपर दिया होगा। फिर ये रहा, यहाँ पर फॉर्म विजार्ड दिया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दिया हमने। सो नेक्स्ट, अब स्टेप वन शुरू होता है। सो स्टेप वन क्या कहता है, द फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। अब फॉर्म विजार्ड वाला जो डायलॉग बॉक्स है, इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है, वो वहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी ऑन विच द फॉर्म इज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द टेबल्स क्वेरीज ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया होगा इस तरह का, जिसमें से क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी टेबल को आपने कौन सी टेबल को या कौन सी क्वेरी को क्रिएट करना है, जिससे कि आप उसका फॉर्म क्रिएट कर सकें, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। हेयर वी हैव सेलेक्टेड द टेबल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इन्होंने कौन सी टेबल सेलेक्ट की है, स्टूडेंट्स वाली, तो हम भी स्टूडेंट्स टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो टेबल या क्वेरी वाला एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर टेबल डिपार्टमेंट्स, टेबल सौरभ और टेबल स्टूडेंट्स, जो हमारे नेविगेशन पेन में टेबल्स हैं, वही तीन टेबल हमें दिखाई दे रही हैं। हम स्टूडेंट्स वाली को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, सेलेक्ट द फील्ड्स इन द अवेलेबल फील्ड्स कैटेगरी दैट सर्व एज द डेटा सोर्स फॉर योर फॉर्म। अब आपको कौन कौन से, ये इधर जो अवेलेबल फील्ड्स वाला ऑप्शन है, इसमें से जो जो फील्ड आप इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस एरो के थ्रू, ये जो सिंगल एरो है, डबल एरो के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑल द फील्ड्स और सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स बॉक्स टू सेलेक्टेड फील्ड्स बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग बटन रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या कह रहा है कि इधर जितने भी फील्ड्स दिए हुए हैं, उन सभी को एक एक करके आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस सिंगल एरो से कीजिए और सेलेक्टेड फील्ड में ट्रांसफर कीजिए, और अगर सभी को एक साथ करना चाहते हैं, तो डबल एरो पे क्लिक करके सेलेक्टेड फाइल्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, और उसके बाद आपको क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो सिंगल एरो पे क्लिक किया, तो ये सेलेक्टेड फील्ड्स वाले में आ गया है। देखिए अवेलेबल फील्ड्स वाला इधर है और सेलेक्टेड फील्ड्स वाला इधर है। अब मैंने मान लीजिए नेम वाले पे क्लिक करता हूँ और फिर सिंगल एरो पे आता हूँ, तो इधर आ गया। अब मैं डबल एरो पे क्लिक करके देखता हूँ, तो डबल एरो से क्या है, सारे के सारे जो ये ऑप्शन है वो इधर आ गए, और फिर नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, स्टेप थ्री शुरू हो गया। तो स्टेप थ्री में क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट विंडो फॉर्म विजार्ड विल बी आस्किंग यू टू चूज अ लेआउट फॉर योर फॉर्म फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। अब उससे नेक्स्ट विंडो में हमसे क्या पूछेगा फॉर्म विजार्ड, कि हमें एक लेआउट चूज करनी होगी। वो चार ऑप्शन दिए होंगे वहां पर, कॉलमनर, टेब्यूलर, डेटा शीट और जस्टिफाइड, उनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एज यू सेलेक्ट एनी ऑप्शन द प्रीव्यू ऑफ इट अपीयर्स इन द बॉक्स ऑफ द लेफ्ट साइड। और जैसे ही आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो इनमें से ऑप्शंस, तो उसका जो प्रीव्यू है वो लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में आपको दिखाई देने लग जाएगा। हेयर वी हैव सेलेक्टेड द कॉलमनर लेआउट, क्लिक नेक्स्ट टू मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। और यहाँ पर इन्होंने कॉलमनर लेआउट वाला सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो हम भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हम कॉलमनर को सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, स्टेप फोर आ जाता है। स्टेप फोर में क्या कह रहा है, नाउ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टाइल फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट इन विच द फॉर्म आइटम्स आर टू बी डिस्प्लेड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन देगा, जिसमें से हमें फॉर्म का डिस्प्ले एरिया जो है वो सेलेक्ट करना होगा। यू कैन प्रीव्यू ईच स्टाइल बाय सेलेक्टिंग इट एंड सीइंग द रिजल्ट इन द लेफ्ट हैंड पेन। अब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, तो आप उसका रिजल्ट लेफ्ट पेन में जो है दिखाई देगा आपको प्रीव्यू, एंड सीइंग द रिजल्ट इन द लेफ्ट हैंड पेन सेलेक्ट द पेपर स्टाइल एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आपको इसमें से पेपर वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। तो नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। फिर स्टेप फाइव में क्या कह रहे हैं, इन द नेक्स्ट ट्री नेक्स्ट स्क्रीन गिव अ डिजायर्ड नेम टू योर फॉर्म। अब नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसमें आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन को जो है एक नेम देना है, जैसे यहाँ पर व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म, यानी कि अपनी फॉर्म को आप क्या टाइटल देना चाहते हैं। तो हम भी यहाँ पर नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने स्टूडेंट्स ही रहने देते हैं इसको, या स्टूडेंट्स फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर दैट ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, रेडियो बटन इज सेलेक्टेड।
अब ये क्या कर रहे हैं, जो सर्कुलर होते हैं, जो सर्कुलर से दिए होते हैं ऑप्शंस जिससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये होते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन का क्या काम होता है कि आप जितने भी ऑप्शंस दिए हों उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर चेकबॉक्स दिए हों तो चेकबॉक्स में आप जितने मर्जी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कुलर वाले जो रेडियो बॉक्स बटन दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो पहले वाला ऑप्शन है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक द फिनिश बटन एंड द न्यू फॉर्म विल अपियर इन द एक्सेस वर्क स्पेस एज शोन हियर। अब जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो फॉर्म है वो आपको वहां पर दिखाई देने लग जाएगा। तो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने फिनिश पे क्लिक किया ये देखिए रोल नंबर वाला इधर आ गया और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इधर नेम वाला आ गया, फिर टेक्स्ट बॉक्स डिपार्टमेंट, फिर टेक्स्ट बॉक्स क्लास के बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स सेक्शन मार्क्स और एड्रेस, ये सारे जो है टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से फॉर्म विजार्ड के थ्रू हमने फॉर्म डिजाइन करना सीख लिया। अब यहाँ पर कुछ लेट्स नो मोर वगैरह दिए हुए थे वो देख लेते हैं। तो पेज वन पर तो कोई भी नहीं है, पेज सेकंड पर है लेट्स नो मोर द फॉर्म प्रॉपर्टी शीट इज ऑल्सो एक्सेसिबल बाय राइट क्लिकिंग एनीवेयर ऑन द फॉर्म इन द डिजाइन व्यू एंड सेलेक्टिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मेन्यू। अब ये कह रहा है कि जो फॉर्म्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो डिजाइन व्यू में जाकर और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके और वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए जैसे हमने स्टूडेंट्स फॉर्म ओपन किया हुआ है तो इसको डिजाइन व्यू में लेके जाते हैं और जैसे राइट क्लिक किया तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करते देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ गई, यानी कि रोल नंबर जो है वो इसका लेबल है, उसके अलावा भी बाकी लेबल दिए हैं, तो उसका नेम क्या है, कैप्शन क्या रखा हुआ है, विजिबल है यस, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, टॉप से कितना नीचे है, लेफ्ट से कितना इधर राइट साइड को है, बैकग्राउंड स्टाइल क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, बॉर्डर का स्टाइल, ये सारे जो ऑप्शंस है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगी। और अगर हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमें क्या है इधर इधर वाला जो फॉर्म है इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें दिखाई देगा। तो जो भी हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो हमें क्या है सारी की सारी दिखाई देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से भी इसकी एडिटिंग होती है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला लेट्स नो मोर है ए फॉर्म इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब एक फॉर्म क्या होता है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ए यूजर इंटरफेस फॉर ए डेटाबेस एप्लीकेशन। अब फॉर्म क्या होता है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज आप किस लिए करते हैं, एक यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं अपने डेटाबेस के लिए, यानी कि आप डेटाबेस में काम करते हैं तो आप किसी को डेटा दिखा ना सकें और अपना काम भी करते रहें, इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस की तरह एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है। इट कैन बी यूज टू एडिट एंटर अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड्स। और यह हमें किस चीज़ की हेल्प करता है कि हम उसमें कोई भी रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं और कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड लेट्स नो मोर कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्पैक्ट वे टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। इट गिव्स द ऑप्शन टू एंटर वैल्यू दैट इज नॉट इन द लिस्ट। इट कंबाइंस द फीचर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स क्या होते हैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है अक्षत, तो अगर मैं अक्षत की जगह कुछ और लिख देता हूँ, अक्षत की जगह मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर सलोनी, और यहाँ पर मैंने जो एडिटिंग की है वो किस में की है, अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की है। और ये होता है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जैसे इस तरह से एरो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देते हैं, ये कौन से होते हैं, लिस्ट बॉक्स होते हैं जिसमें क्या है आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई होती है, जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चूज हो जाएगा। तो ये होता है जो ब्लैंक जिसमें कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो एडिट हो जाएगी, और ये होता है लिस्ट बॉक्स जिसमें कि आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि आप अगर ऑप्शन मिल रहे हैं वो तो उसे भी चूज कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स का ये काम होता है। बट यहाँ पर ये जो चूज किया हुआ है ये कौन सा है, सिंपल लिस्ट बॉक्स है।
यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल लिख के जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एरो आ गया, द टेक्स्ट यू एंटर्ड इजंट एन आइटम इन द लिस्ट, यानी कि जो ऑप्शन आपने एंटर किया है ये लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये कॉम्बो बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट बॉक्स है और हमें लिस्ट में से चूज करना पड़ेगा। तो अगर लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे तो वो कॉम्बो बॉक्स होगा। फिर अगर आपको इन ऑप्शंस में से कोई भी चूज नहीं करना और अपनी मर्जी का कोई लिखना है तो वो लिख कर भी आप इसमें इसे यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स का ये काम होता है। और इसके अलावा तो नहीं दिया हुआ, तो हमने यहाँ तक कर लिया है स्टेप 5 तक, यानी कि फॉर्म विजार्ड के थ्रू फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा क्रिएटिंग फॉर्म्स यूजिंग फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन के थ्रू फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस और उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके जरूर चेक कर लीजिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कीजिए, कल तक नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ भी जरूर दीजिएगा और सॉल्यूशन आपको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।